गया हो गया। ओम ज्ञान तिमिरं दश ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय यस्तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। पांचाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्रीराधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वृंदाय तुलस्य देवे केशवस्य च कृष्ण भक्ति व्रज देवी सत्वते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभुनंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसाद गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं कथा के प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। गतकल हम लोग श्रवण कर रहे थे ये माधुर्य कादंबिनी ग्रंथ का नाम माधुर्य कादंबिनी नाम क्यों पढ़ा, माधुर्य क्या है और ये कादंबिनी क्या है। अभी श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कहते भक्ति पूर्व श्रीता तांतु रसम पश्ये सतदा नदी तम नवमी सततम रूपानाम प्रियजनम हरे। इसमें कह रहे हैं बोले भक्ति पूर्व श्रीता तांतु रसम पश्ये तथा नदी। बोले पहले तो लोग भक्ति करते थे है? उसको पहले भक्ति करने वाले बहुत नारद व्यास पराशर सुखदेव गोस्वामी और उद्धव आदि बहुत पहले भक्ति करने वाले तो बहुत हुए हैं लेकिन भक्ति को आश्रय करने पर भी। लेकिन श्री रूप गोस्वामी की विशेषत्व क्या है उन्होंने भक्ति को उन्होंने रस का जो रूप प्रदान किया है। भक्ति एक रस है कहते यह चीज को श्री रूप गोस्वामी ने ही विशेष करके उन्होंने बताया। इसमें इसकी व्याख्या में कहते हैं भक्ति पूर्वम श्रीताम कहते भगवान को कैसे पाया जाता है बोले भक्ति को द्वारा ही पाया जाता है। तो यहाँ पर गुरुदेव इसकी व्याख्या में कहते हैं कहते जीवर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास हम सबके सब भगवान की ही संतान हैं। लेकिन भगवान को भूलने का वजह से माया ने इसे संसार में हमें फेंक दिया बोले जाओ जाकर के संसार की मजा चख लो अगर मेरी भक्ति नहीं करोगे। मथुरा में गए हो नहीं गए? मथुरा में वहाँ पर गुरुदेव ने बड़ी सुंदर एक छवि वहाँ पर बनवाया कहते एक तरफ में माया की संसार और एक तरफ में भक्ति का संसार और जिधर माया की संसार उस तरफ में अंधकार और उस तरफ में बाघ चित्ते भालू शेर सर्प भूत पिशाच एक तरफ में खड़े हुए और दूसरे तरफ में प्रकाश ही प्रकाश इस तरफ में अंधकार इस तरफ में प्रकाश ही प्रकाश है और सीधा एक रास्ता जा रहे हैं ठाकुर जी के पास में। इधर एक साधु खड़ा हुआ उस तरफ में एक माया खड़ी हुई
वो माया उधर बुला रही है, साधु इधर बुला रहे, और बीच में एक व्यक्ति खड़ा हुआ, वो कभी इधर देखता है कभी इधर देखता है। साधु कहते देखो अगर प्रभु की भक्ति करोगे ना सीधा ठाकुर के पास में जाओगे, जहाँ पर जन्म मृत्यु दुख कष्ट जरा व्याधि कोई दुख कष्ट नहीं, आनंद आनंदमय उधर है। इधर जिधर माया खड़ी है वो कहे तू इधर चले जा, वो देख रहा है इधर अंधकार ही अंधकार है, है? इसमें भूत पिशाच डाकिन साकिन जहरीले सब सर्प सब के सब वो देख रहा है, लेकिन कभी इधर देखता है कभी इधर देखता है कभी इधर देखता है कभी इधर देखता है। लेकिन बड़े सौभाग्यवान व्यक्ति वो ठाकुर जी की तरफ में जाते हैं, बहुत बिरले व्यक्ति। लेकिन हम लोग जैसे दुर्भाग्य व्यक्ति माया की चाकचिक्य देख करके माया की मनमोहन रूप देख करके हम माया में ही छलांग लगा देते हैं, कहते भैया वो तो देख रहा है इधर दुख ही दुख है, फिर छलांग क्यों लगाता है? कारण है को जो जीव है ना वो बहुत क्षुद्र है, और जो माया है उसकी ज्यादा शक्ति है, वो अपने आप जीव को दबोच लेता है, अपने आप माया में जीव फंस जाता है, वो सहज में भगवत तरफ में नहीं जाता है माया शक्ति। लेकिन वही जीव जब भगवान के शरण में आ जाता है, जिसको कृष्ण गीता में कहते हैं दैवी जैसा गुणमयी मम माया दुरतया माम एवं जे प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरते। भगवान कहते दैवी जो माया है जिसमें ब्रह्मा भी मोहित हो गए, शंकर भी मोहित हो गए, नारद भी मोहित हो गए, जिसमें श्री विश्वामित्र भी मोहित हो गए, जिस माया की चक्कर में ऐसे माया की लुभा बनी, इसलिए। लेकिन वही जीव जब ठाकुर जी के शरण में आता है, भगवान कहते हैं कृष्ण तारे देन निज चित शक्ति बल माया आकर्षण छाड़ी हया दुर्बल। जब जी भगवान की शरण में जाता है भगवान अपना शक्ति प्रदान करते हैं, और भगवान का शक्ति तो माया से ज्यादा है। जब भगवान की शक्ति जी प्राप्त करता है फिर शक्ति पा करके ना फिर तो जी बहुत स्ट्रांग बन जाता है। हम वृंदावन में आप लोग देखे गएंगे एक छोटे छोटे बंदर है ना, बड़े बड़े बंदर को बंदर घूर के दे देता है, बोले क्यों? उसको पीछे देखते हैं हमारे साथ में ये बड़े बंदर है, है? वो उस छोटे बंदर से बड़े बंदर वो है, लेकिन देखता है मेरे पीछे बड़ा बंदर इधर है, इसकी बल पर वो बड़े बंदर को भी बंदर घुड़के दे देता है, और इसका घुड़के से डर जाता है, बोले क्यों? देखता भैया इसको पीछे मेरे से भी बड़ा बंदर बलवान बंदर खड़ा हुआ है। क्या उसी तरह जीव जब भगवान की शरण लेता है जो माया की जो आकर्षण धीरे 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 माया की आकर्षण खत्म हो जाती है, फिर जीव शक्ति प्राप्त करके फिर भगवान की भक्ति करते 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 जीव भगवान तक जीव फिर पहुंच जाता है। लेकिन जो पहुंच जाता है कैसे कैसे? बोले भक्ति, केवल भक्ति को द्वारा ही जीव भगवत प्राप्त करता है, ज्ञान से नहीं, योग से नहीं, कर्म से नहीं। जीव अगर भक्ति को आश्रय ग्रहण करे, इसलिए भक्ति नारद भक्ति सूत्र में कहते हैं भक्ति रे वयव नयति, बोले भगवान तक जीव को कौन ले जाएगा? बोले भक्ति ही ले जाएगा। बोले भक्ति रे भाई वह दर्शयति, बोले भगवान को दर्शन कर्म कराएगा? बोले भक्ति दर्शन कराएगा। हैं? बोले भक्ति रे भाई वह भूवसी, जो जयकार भक्ति का ही, भक्ति आश्रय ग्रहण करने ही पर ही जीव भगवान तक पहुंच सकता है, और किसी को द्वारा जीव भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता है। इसलिए सूरदास जी कहते हैं सबसे ऊंची प्रेम सजाई है। इसलिए जगत में बहुत तरह का बंधन है कर्म ज्ञान जो का, लेकिन भगवान भक्ति को द्वारा जैसे बंधे और किसी को द्वारा भगवान नहीं बंधे उनको, और कोई नहीं बांध सके। बोले दूर जो धन्य की मेवा त्यागी साग विदुर घर खाई सबसे ऊंची प्रेम सदाई प्रेम के बस अर्जुन थाके भूल गए ठाकुराई सबसे ऊंची प्रेम सदाई। सबसे बड़ा बंधन है प्रेम की बंधन, भगवान उसको द्वारा ही वशीभूत होते हैं। इसलिए
कहते पहले तो भक्ति सबके सब करते थे, लेकिन कहते भक्ति को जो रस रूप प्रदान किया है श्री रूप गोस्वामी, इसलिए श्री रूप गोस्वामी के लिए बताते हैं, बोले तेने ब्रह्म हृदय जो आदि कवये मुझन्ति जत सुरय, बोले यही भक्ति रस को इन्होंने क्यों स्थापन किया, बोले कारण है जैसे सृष्टि से पहले भगवान ने ब्रह्मा जी को हृदय में सारे तत्व ज्ञान को निष्पूर्ण किया, बोले ज्ञानों में परम गुह्यम जद विज्ञान समन्वितम सह रहस्यं च तदगच्छ गृहाणम गदितमय, भगवान कहते ब्रह्मा जी को मेरे तेरे हृदय में जो ज्ञान नहीं परम गुह्य जो ज्ञान है, परम गुह्य ज्ञान मतलब जब ज्ञान स्वरूप कृष्ण है, लेकिन जब राधा जी को साथ में जो ज्ञान है कहते ये सबसे गोपनीय ज्ञान तुम्हारे हृदय में मैं प्रदान करता हूँ। उसी तरह श्रीमन चैतन्य महाप्रभु कहते प्रयाग में श्री रूप गोस्वामी को बोले देख रूप भक्ति क्या है, बोले भक्ति एक रस समुद्र है जिसका कोई आर पार नहीं, भक्ति रस समुद्र है, लेकिन इनमें तुमको भक्ति का एक बूंद तुमको मैं चखवा रहा हूँ, लेकिन उन्होंने तो बोले एक बूंद में तुमको चखवा रहा हूँ, उनके लिए तो एक बूंद लेकिन हमारे लिए तो बहुत है। उदाहरण देते हैं रसगुल्ला खाए हो, लेकिन उसमें रसी रस होता है, जब रसगुल्ला खाओगे खाते समय कभी कभी रस पर रसी रस होता है, कभी एक धार से ना एक आध बूंद कहीं टपक जाता है, जब टपक जाता है लेकिन एक आध बूंद तो हमारे लिए, लेकिन चेटा चेटी के लिए बहुत है, चेटी के लिए तो बहुत है, चेटा चेटी के लिए। कहते हैं भगवान रूप गोस्वामी को तो बोले भक्ति रस समुद्र है, मैं तुमको एक बूंद चखवा रहा हूँ, लेकिन उनके लिए तो एक बूंद, लेकिन हम जैसे चेटा चेटी के लिए बहुत, एक बूंद हमारे लिए हम खा नहीं सकते। उसी तरह महाप्रभु गुरुदेव कहते हैं प्रयाग में जो भक्ति रस का जो भंडारा है, हैं, लेकिन महाप्रभु रूप गोस्वामी को इस चाबी काठी प्रयाग में उनको हाथ में दिए, बोलो ये भंडारा का चाबी काठी हम तेरे को देता हूँ, जैसे पिताजी की अथा संपत्ति है संपत्ति, लेकिन वो चार पांच बच्चे पिताजी सबका हाथ में ट्रेजरी का नहीं देंगे, किसको हाथ में देंगे, जो बच्चा हो ना हारे, जो शराब पी करके जुआ खेल करके मांस खा करके उड़ा दे पिता थोड़ी उसको चाबी काठी देंगे, उसी बच्चे को ही चाबी काठी देंगे जो ये बिजनेस को आगे बढ़ाएगा, पैसा को बर्बाद नहीं करेगा, खर्चा करेगा तो देख करके खर्चा करेगा, पिता देगा भैया ये बच्चा हो ना हर बच्चा, अगर इसको चाबी काठी देंगे तो ये कभी पैसा को बर्बाद नहीं करेगा, बल्कि ये बिजनेस को ये धीरे धीरे ये आगे बढ़ाएगा। इसलिए कहते महाप्रभु ने उनके प्रेम की भंडार की जो चाबी काटी उन्होंने श्री रूप गोस्वामी को हाथ में दिए, बोले ये चाबी काटी तू संभाल, और तुम संभाल करके ये प्रेम को तुम रखा करो और सारा दुनिया में ये प्रेम को तुम विस्तार करो। इसलिए उनके लिए बताए श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम जैन भूतले स्वयं रूप कदामयम ददाती स्वपदार्थी, इसके लिए कहते हैं ये कौन है, बोले श्री चैतन्य मनोभीष्टम, जिन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु की मन का जो अभिष्ट है जिन्होंने इसी जगत में स्थापन किया है। महाप्रभु का क्या मनोभीष्ट है, महाप्रभु का बोले महाप्रभु का मनोभीष्ट है, उनको चार मनोभीष्ट था महाप्रभु जो जगत में आए, पहला मनोभीष्ट था सारा जगत में हरि नाम संकीर्तन प्रचार हो, घर घर में भगवत नाम प्रचार हो, सबके सब खुशी होकर सुखी होकर के क्या करे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसलिए उनका ये मनोभीष्ट है। दूसरा मनोभीष्ट है कहते भक्ति ग्रंथ प्रचार हो, भक्ति ग्रंथ रचना हो, इसलिए श्री रूप गोस्वामी ने कितने सारे भक्ति रस ग्रंथों को रचना किए, इसलिए उन्होंने विशेष करके ग्रंथ तो बहुत बनाए। गुरुदेव कहते हैं जैसे भक्ति का भंडारा था, भंडारा में उसमें विशेष करके उसमें दो दरवाजा था, दो दरवाजा किया कहते उन्होंने दो ग्रंथ बनाए, एक भक्ति रसामृत सिंधु दूसरा उज्ज्वल निर्मणि, ये दो ग्रंथ हमारी संप्रदाय के लिए अनमोल ग्रंथ है, इसका नाम उन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु लिखे हैं, भक्ति भक्ति नहीं उसका रस रूप उन्होंने प्रदान किया, भक्ति में शांत रस का क्या लक्षण है, दास्य रस किसको कहते हैं,
सख्य रस का क्या लक्षण है, और बात्सल रस कहते कि इसको श्रृंगार रस क्या चीज होता है, रस में भी है उसमें जो स्थाई रस को ऊपर में अनुभव सात्विक व्यभिचारी इसको ऊपर में कैसे मिलन होने पर, जैसे गुरुदेव उदाहरण देते जैसे एक ग्लास पानी ले लो पियो अच्छा है, लेकिन अगर उसमें थोड़ा मिश्री डाल दिया कितना बढ़िया लगे, लेकिन उसमें अंदर में थोड़ी सी नींबू डाल दिया तो और बढ़िया, लेकिन उसका अंदर में थोड़ी सी हाँ थोड़ी सी नमक डाल दिया, नहीं तो उसका अंदर में थोड़ी कर्पूर डाल दिया उसमें बढ़िया हो जाता है, बढ़िया हो जाता ना, पानी तो मीठा है ठीक है, लेकिन उसके अंदर में ये सब चीज़ जब डाल देती हैं क्या होता है वो बढ़िया रस आ जाता है। उसी तरह कहते भक्ति को उन्होंने जो रस प्रदान किया है ये स्थायी रस के ऊपर में अनुभाव विभाव सात्विक और व्यभिचारी, उन्होंने ये चार चीज उन्होंने बताया अद्भुत रूप में बताए, ये चार चीज किया है, जैसे पानी में मिश्री फिर नींबू फिर उसके अंदर में कपूर डाल दिया थोड़ी सी कपूर डाल दिया जिसमें सुगंधी आ जाती है, उसी तरह उन्होंने श्रृंगार रस में भी और दास्य सख्य रस में भी, ये सख्य रस कहाँ तक जाता है बात्सल रस कहाँ तक जाती है और श्रृंगार रस किया है, श्रृंगार रस का रस में कौन कौन भक्ति करने वाले, उन्होंने एक ग्रंथ लिखे जिसका नाम उज्ज्वल निर्मणि, वो उज्ज्वल निर्मणि ग्रंथ में अद्भुत रूप में सखी कैसे पांच तरह का सखियाँ हैं और उसमें सुपक्ष विपक्ष पर तटस्था सखियाँ हैं, फिर उसके अंदर में सुपक्ष क्या है विपक्ष क्या है और उसमें चंद्रावली दल के कौन है, राधा जी के दल में कौन है, कृष्ण जी का दल में कौन है, ये मंजरी क्या होता है, सखी क्या होती है, इनका निकुंज में क्या क्या सेवा है, इनकी प्रेम के ऊपर में स्नेह किसको कहते हैं, मान किसको कहते हैं, प्रणय किसको कहते हैं, राग किसको कहते हैं, अनुराग किसको कहते हैं, हैं राग अनुराग हैं, फिर उसके बाद में मादनाख्य भाव किसको कहते हैं, मोदन किसको कहते हैं, कुटाई तक किसको कहते हैं, मुटाई तक किलकिंचित राधा रानी के अंदर में एक साथ में जो सारे भाव प्रकट होता है उसको किलकिंचित भाव कहते हैं, उन्होंने जो अद्भुत घृत स्नेह किया है मधु स्नेह किया है और मध्यता किया है त्वदीयता भावना किया है, कहते राधा रानी के अंदर में मध्यता हाँ मध्यता और चंद्रावली के अंदर में त्वदीयता दो भाव है, एक में घृत स्नेह एक है मधु स्नेह, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, एक मधु इसलिए एक घृत स्नेह एक मधु स्नेह, कहते हैं कृष्ण की सब सखियों में ये दो श्रेष्ठ है राधा रानी एक चंद्रावली, राधा रानी के अंदर में क्या भावना है कृष्ण मेरे है, लेकिन चंद्रावली का भावना है मैं कृष्ण की हूँ, मैं कृष्ण की हूँ बड़े कौन है आपको समझ में नहीं आ रही, इसलिए चंद्रावली के अंदर में मैं कृष्ण की हूँ मतलब है मैं कृष्ण की हूँ, जब कृष्ण की मैं हूँ कृष्ण का कर्तव्य मेरे को पालन करे, लेकिन राधा रानी कहते नहीं कृष्ण हमारे हैं, हमारे मतलब कृष्ण का जो सुख दुख हमें देखना पड़ेगा, हमें उनकी सेवा करना पड़ेगा है? हमें उनकी सेवा करना पड़ेगा, कहते घृत स्नेह एक मधु स्नेह, घृत स्नेह मतलब क्या जैसे घी वैसे खाओ अच्छा नहीं लगेगा लेकिन घी में बुरा डाल कर खाओ मतलब घी को सब्जी में डालो फिर उसको टेस्ट है, और जो मधु कहते उसके किसी जरूरत नहीं अब किसी तरह से मधु को खा सकते हो चाट करके मिला सकते किस तरह के, राधा रानी का भावना ये मधु स्नेह है मतलब ये पूर्ण पूर्ण है, और चंद्रावली का भावना जो भाव है कृत स्नेह है, ये तो अच्छी है लेकिन स्वयं अच्छी नहीं उसके अंदर कुछ मिला करके खाओ तो भी अच्छी है, इसलिए उसमें उसमें उसका अंदर में भी रूप गोस्वामी ने कितने भाव उन्होंने कितना दिखाया है, साधारण रति सामंजस्य रति समर्था रति उसमें ये चीज वो दिखाए, बोले साधारण रति कुब्जा के अंदर में जैसे कृष्ण कुब्जा को तो सुंदरी बना दिए उनको कृष्ण को पकड़ लिए, बोले नहीं ये रूप आप ही दिया आप ही भोग कर सकते चलो हमारे घर में हैं, कहते इनकी साधारण ही प्रेमी, लेकिन जो महिषियों के अंदर में सामंजस्य सामंजस्य मतलब है अभी कृष्ण को तो प्रेम करते हैं लेकिन शादी हुई बच्चे हुए उनका जो ममता पति में भी है और बच्चे में भी है कृष्ण को तुम्हारे पूर्ण रूप में नहीं है, क्यों बच्चे हो गए ना तुम्हारा जितना प्रेम बच्चों में चली गई बच्चों को पालना करना, लेकिन गोपियों की राधा रानी का रति समर्था मतलब उन्होंने अपना प्रेम किसी को नहीं दिए, एक निष्ठ होकर के पूरा एकाग्र रूप में केवल उन्होंने कृष्ण को ही सब कुछ, दुनिया में कोई कहने वाले नहीं इनका समर्था रहती,
इसलिए कहते रूपा गोस्वामी ने इस भेद को उन्होंने बताया है? कौन सा प्रेम कहाँ तक जाती है, क्या क्या उसमें लक्षण है। इसलिए कहते हैं, इसलिए ये महाप्रभु का एक इच्छा थी जब भक्ति रस शास्त्र को प्रणयन करे, जगत में राग भक्ति जगत में प्रचारित तो हो, और जितने विग्रह सब लुप्त तो हो गए, बज्रनाभ को द्वारा स्थापित तो हुआ था, सारे विग्रहों को प्रकाशित करे, जगत में हरि भक्ति को प्रकाशित करे। इसलिए बोले श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम जैन भूतले, कहते महाप्रभु का इच्छा को जिसने ये जगत में स्थापन किया है, कौन है? ऐसे श्री रूप गोस्वामी के चरण में हम सब के सब प्रणाम करते हैं। इसलिए बोले आददानम स्त्रीणम दंतई रिदम जाचे पुनः पुनः श्रीमत रूप पदाम भोज धुली श्याम जन्म जन्मनी। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं हम दांत में त्रिनिका लेकर के हैं, दांत में त्रिनिका को लेकर के हम श्री रूप गोस्वामी के चरण में बारंबार प्रणाम करते हैं। बोले क्यों? बोले ऐसे कब दिन आएगा जो श्री रूप गोस्वामी के चरण की एक धूल हम बन पाएंगे, हम की चरण की धूल को बन पाएंगे। इसलिए कहते भक्ति को जो एक रस रूपता प्रदान किया, कौन? बोले श्री रूप गोस्वामी। अगर ये महापुरुष नहीं होते तो हाँ भक्ति कर रहे सब भक्ति कर रहे हैं, लेकिन भक्ति में जो रस है हाँ, कौन सा क्या क्या भक्ति का रस है, क्योंकि ये सब चीज़ें हमें पता नहीं चलता। इसलिए श्री रूप गोस्वामी यहाँ पर गुरु जी कहते हैं पहले भक्ति का सब डेफिनेशन दिया है शास्त्र में, सब भक्ति की अलग अलग सब डेफिनेशन दिया, जैसे भागवत में बताए सबई पुंसांग परो धर्म यत भक्ति रथक सजे आहै तुकी अप्रतिहता जय आत्मा संप्रसिद्धति। भागवत में बताया पुरुष मात्र का सर्वश्रेष्ठ धर्म है भगवान को भक्ति करे, लेकिन कौन सा भगवान को भक्ति करे ये बात नहीं बताया। भक्ति करो राम का भी भक्ति भक्ति, कृष्ण देव का भी भक्ति भक्ति, और वामन देव का भक्ति भक्ति है, भगवान की भक्ति करो हाँ। यही जीव का परम धर्म भक्ति कैसे करनी चाहिए, अहेतु की अप्रतिहता, उसमें कोई कामना रखना नहीं हो, वो भक्ति निरंतर जमयी हो, डायरेक्ट प्रभु का भक्ति हो। वहाँ पर भी बताए और हमारे उपनिषद में भी बताए हैं अहेतु की अव्यभिता जा भक्ति पुरुषोत्तम, भक्ति किस में हो? बोले पुरुषोत्तम में हो हैं, पुरुषोत्तम तो भगवान सबके सब पुरुषोत्तम में है, अहेतु की अव्यभिता हो। और कहते श्री भक्ति रसामृत सिंधु में क्या बताए, बोले सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्पर तेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेशम सेवनम भक्ति रुच्यते। भक्ति कहते हैं किसको, बोले सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम मतलब जगत का कोई उपाधि नहीं रहनी चाहिए, मेरा नाम ये है, हमारा ये गांव है, हमारी ये पति है, हमारी ये जात है, हमारी ये कास्ट है, ये हमारी जगत का जितने हाँ अभिमान है, जितने उपाधि से विनिर्मुक्त हो, केवल एक उपाधि हो ईश्वर अंश जीव अविनाशी जीवर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, हम केवल एक ही है भगवान के नित्य सेवक है। और सर्व उपाधि विनि तत्पर त्वेन निर्मलम पूरा शुद्ध होकर के ऋषिकेन ऋषिकेशम, ऋषि के मतलब होता है इंद्रियां, और ऋषिकेश मतलब ऋषि का जो प्रभु है, जो भगवान को भक्ति करना ही कहते इसको भक्ति कहते हैं। कहते भक्ति रसामृत सिंधु में बताए, कहते और कहीं बताए हैं, कहते हैं लेकिन अलग अलग भक्ति का डेफिनेशन दिया। कहते श्री रूप गोस्वामी ने भी, उन्होंने भी भक्ति का डेफिनेशन दिया। गुरुदेव कहते थे उन्हें सारे चीजों को लेकर के जितने भक्ति की जो डेफिनेशन शास्त्र ने बताया सबको लेकर के उन्होंने एक श्लोक बनाया, इसको याद कर लेना। कहते अन्याभिलासिता सुन्यम ज्ञान कर्माद्य अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति रूपम। इन्होंने उत्तमा भक्ति को उन्होंने उदाहरण दिया। बोले क्या बताया उन्होंने, इसमें विशेष बात क्या बताया, बोले अन्याभिलासिता सुन्यम, भक्ति में कोई अभिलाषा नहीं होनी चाहिए हैं, इसलिए हम भक्ति नहीं कर रहे, हम प्रभु ये दो ये दो ये दो ये दो। तो यहाँ पर प्रश्न करते हैं अगर भक्ति में कोई अभिलाषा नहीं हो फिर द्रौपदी का अभिलाषा कैसे हो गई? जब वस्त्र हरण हो रही थी
हाँ, जिसने भी दुशासन उनको वस्त्र हरण कर रहा था वो भी तो भगवान को बुलाया था, ठाकुर जी हमें रक्षा करो, ठाकुर जी रक्षा करो। तब हम तो, वो तो इतने बड़े भगवान को साक्षात जो भगवान की परिकर है, कृष्ण दर्शन कर रहे हैं, कृष्ण जिनको सखी कहते हैं, वो उसका अंदर में अगर ये अभिलाष हो सकता है प्रभु हमें रक्षा कर रहे, हम तो साधारण जीव में। तब यहाँ पर बता रहे हैं इसमें दो चीज बता, अन्याभिलाषिता और अन्याभिलास, इसमें दो चीज बताए। क्या देखो, हठात अगर तुम्हारे ऊपर कोई विपत्ति आ जाए, घर में हठात चोर आकर आक्रमण कर दिया, नहीं तो कोई व्यक्ति तुमको मारने के लिए हठात आ गया, एकदम बरबस में आ करके अगर तुमने भगवान प्रभु हमें रक्षा करो, कहते इसमें कोई दोष नहीं, इसमें कोई दोष नहीं, लेकिन सब कुछ ठीक ठाक स्थिर बुद्धि है तुम्हारी, लेकिन उसी अवस्था में अगर हम भगवान को बारंबार बोले ठाकुर हमें ये करो, ठाकुर हमें ये करो, ठाकुर हमें ये दे दो, ठाकुर हमारे ये कर दो, ठाकुर हमें ये कर दो, तो यहाँ पर ये दोष है। यहाँ पर स्थिर अवस्था में रहते हुए भगवान को बारंबार प्रार्थना करना, इसमें दोष है। इसलिए अन्याभिलाषिता है, इसलिए अन्याभिलास नहीं, ये ताप प्रत्यय हुआ। ताप प्रत्यय मतलब होता है जब पुनः पुनः जान बूझ करके भगवान से प्रार्थना करें। इसलिए अन्याभिलाषिता शून्यम, बोले ज्ञान कर्मादि अनावृतम, भक्ति कैसे होनी चाहिए, ज्ञान और कर्म से आवृत नहीं, ढकी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने ये नहीं बताया ज्ञान कर्म को छोड़ दो, नहीं, जैसे अभी कथा सुन रहे हैं अभी तो ज्ञान है, अभी तो ज्ञान है ना, कथा सुन रहे ज्ञान है नहीं, ये जो ज्ञान है ये भक्ति युक्त ज्ञान, जो भक्ति को पोषण करने वाले। इसलिए बोले ना भक्ति का दो बेटे हैं, एक ज्ञान और एक वैराग्य, मतलब भक्ति करने के लिए तुमको ये दो बेटे चाहिए। कौन सा ज्ञान? शास्त्र ज्ञान। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते तीन तरह के भक्त हैं, कनिष्ठ मध्यम और उत्तम। कहते कनिष्ठ मध्यम उत्तम का क्या फर्क है? बोले कनिष्ठ भक्त किसको कहते हैं? बोले भक्ति करते तो है लेकिन भक्ति डवाडोल सा है, कभी इच्छा होता है कर लेते हैं माला, जब इच्छा नहीं होता माला जहाँ भी तहाँ लटकना है, माला भला से कोई मतलब नहीं, भजन से कोई मतलब हो, कभी करते कभी नहीं करते, ये सबसे छोटे भक्त है। बोले मध्यम भक्त कौन है? बोले मध्यम भक्त है अपना भजन को ठीक ठीक से कर लेते हैं, अपना जो साधन भजन हरिनाम ठाकुर का कीर्तन पूजा तुलसी पूजा ठाकुर का आरती तुलसी परिक्रमा अपना नियम से हरिनाम तिलक जिसको स्वयं अच्छे तरह से भक्ति को अच्छे तरह से कर लेते हैं, लेकिन वो दूसरों को समझा नहीं सकते, लेकिन अपना भक्ति को ठीक कर ले। बोले उत्तम भक्त कौन है? बोले जो स्वयं अपना साधन भजन को अच्छे तरह से कर लेते हैं, संख्यापूर्वक नाम कर लेते हैं, ठाकुर को वंदना स्तुति पूजा जो भक्ति के अंग जाने करते हैं एकदम पक्के, एकदम भजन में पक्के, खुद तो भक्ति अच्छे तरह से कर लेते हैं लेकिन दूसरों को भी समझा करके दूसरों को भी भजन में लगा देते हैं, कहते ये उत्तम भक्त है जो शास्त्र सिद्धांत में सुनिपुण हो, है विचार सिद्धांत में, कोई प्रश्न करे तो उसको प्रश्न का उत्तर दे सके, है उसको उत्तर दे सकते हैं। इसलिए तीन तरह का भक्त बताए, और तीन तरह का भक्त बताए, और तीन तरह का भक्त कौन है? जो साधारण जो भक्त है वो भक्ति करते हैं उनका डामाडोल सा भक्त है, दूसरे तरह का जो भक्त है मध्यम भक्त कौन है? कहते मध्यम भक्त वो है जो हर समय हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे मध्यम। बोले उत्तम भक्त कौन है? बोले उत्तम भक्त हुए हैं जिसको दर्शन करने का मात्र से ही मुंह में भगवान का नाम आ जाए, उसको उत्तम भक्त कहते हैं, हैं? इसलिए यहाँ पर बताए ज्ञान कर्माद अनावृत, मतलब है ज्ञान को छोड़ना नहीं, कौन सा ही भक्ति युक्त जो भक्ति में मदद करने वाले जो शास्त्र विचार युक्त जो ज्ञान ये होनी चाहिए, अगर ये नहीं होगा ना तुम्हारी भक्ति भी डामाडोल हो जाएगा। जैसे भजन कर रहे हो तिलक गलम माला, अगर कोई नास्तिक मिल गया सब बेकार से कलम कंटे तिलक लाकर घूम रहे दुनिया को दिखा रहे हैं, भक्ति का क्या होता है? भक्ति भक्ति कुछ ना, हम भक्ति भी किया भगवान हम बड़े दुख कष्ट दिया बेकार से भजन भजन बेकार, कोई थोड़ी इधर उधर कोई निंदा कर दे ना हमारा मन भी कमजोर हो जाता है। भैया ये सही बता रहे, ये सही बता रहे, हमने इतना भजन किया भक्ति किया ठाकुर हमारे साथ में ऐसे किया, ऐसे हमारे साथ में ठाकुर का व्यवहार हुआ, ये हो गया हमारी, ये हो गया सारे पैसा लूट गई हमारी, अपमान कर दिया संसार में, ये कर दिया हैं, इसलिए उस तरह तरह का बस गुट्ठिया। इसलिए
उन्होंने ऐसे जो है कहते कभी कभी अगर ऐसे अगर हो जाए ना, अरे कभी कभी क्या हो जाता है, हमारा मन खराब हो जाता है, मन कभी खराब हो जाते हैं कभी कभी। लेकिन अगर जो शास्त्र सिद्धांत में एकदम सुनिपुण होगा, भले ही जीवन में जितने विपत्ति आ जाए वो भगवान को कृपा मान लेगा, ठाकुर जी की वो कृपा को मान लेगा। इसलिए भगवान स्वयं कहते हैं जे करे अमारा आस तार कभी सर्वनाश, भगवान कहते जो मेरा आस लेता है ना उसको मैं सर्वनाश कर देता हूँ, तब वो ना छाड़े अमारास, तब भी मेरे चरण नहीं छोड़ता है, फिर करी अमितार दासर दास, फिर मैं उसको अपना दास को बना देता हूँ। लेकिन मैं बहुत परीक्षा पहले करता हूँ, जैसे कमार होता है ना जो लोहे बनाता है, देखा हो कैसे लोहे बनाता है, आग में देगा, आग में देकर जब लाल हो जाएगा ना फिर उसको निकाल कर खूब पीटेगा, पीट कर फिर पानी में देगा, फिर पानी में देकर फिर निकालेगा, फिर आग में देगा, आग में दे करके जो लाल हो जाएगा फिर निकालेगा, खूब पीटेगा, पीट पीट करके फिर उसको पानी में देगा, फिर आग में देगा। ऐसे करते 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 उसके ऊपर में जितने जंक उसके ऊपर होता है ना वो सारे को सारे निकाल देगा, निकाल करके ऐसे हथियार बनाएगा, वो लोहे भी लोहे को काट देता है, वो लोहा फिर लोहे को काट देता है, लोहे का कर देगा ना, लोहे को काट देगा। बोले कैसे, बोले उसको है उसको एकदम मार मार करके पीट पीट करके उसको पूरा पक्के बने देते हैं। इसलिए नित्यानंद प्रभु का माधाई ने सर फोड़ दिया ना, हरिदास ठाकुर का 22,000 में पिटाई हो गई, लेकिन बाद में कहते भगवान तो बड़े दयालु हुए, मैंने कोई अपराध किया है, ठाकुर का निंदा हमने सुनी है, ठाकुर तो मेरे को थोड़ी सी दंड देकर ठाकुर जी हमें छोड़ दिए हैं। इसलिए भक्ति अगर दृढ़ हो जाता है ना जीवन में, भले ही जितने आपद विपत्ति आए वो कभी प्रभु का भजन दुनिया छोड़ जाए लेकिन प्रभु का भक्ति नहीं छोड़ती है। मीरा जी के ऊपर में देखो, कोई कोई सोचते है ना अरे भक्ति तो फूलों को रास्ता है, फूलों के ऊपर चलने का रास्ता भक्ति है, नहीं, भगवान कभी कभी परीक्षा करते हैं भक्तों को। हाँ, कभी कभी भगवान परीक्षा करते हैं। तो देखो एक समय नारद और कृष्ण बोले चलो हम दोनों भिक्षा के लिए जाते हैं, भिक्षा के लिए गए, एक बहुत बड़ा पैसा वाला घर में पहुंचे तो बोले भिक्षाम देही भगवती, भिक्षाम देही, भिक्षा दो। अंदर से मालिक निकला डंडा लेकर, बोले बाबा एक काम धाम नहीं, भीख मांगने के लिए आगे काम करे खा नहीं पाते हो। उन्होंने बड़े डांट लगाए, डंडे से उनको जाकर भगा दिए। भगवान जब जा रहे थे ना खूब आशीर्वाद दिए, बोला खूब फलते फलते रहो। नारद जी साथ में थे, वो दोनों तो भिखारी रूप धारण करके आए, नारद जी तो चक्कर में पड़ गए, जो व्यक्ति डंडे थे हाँ उनको गाली देकर भगा दिया, बोले तुम फलते फूलते घूम रहो। गए एक बुढ़िया थी घर में, गैया घर में एक छोटी सी कुटिया थी, गैया थी, उसके घर में पहुंचे बेचारी बुढ़िया, गैया के दूध से जीवन पालन करती थी। जब वहाँ पर गए बोले भगवती भिक्षाम देही, उन्होंने बाहर निकाल कर देखा अरे दो संत आए, बोले बाबा बाबा आ अंदर बैठो। उनको अंदर में बैठाया, आसन देकर बैठाया और थोड़ी सी दूध थी हाँ उसमें चावल डालकर खीर बनवाया, ठाकुर को भोग लगा कर खिलाया दोनों को। ठाकुर जी जब गए ना बोले तुम्हारी गैया भी मर जाए, घर में आग भी जल जाए। नारद जी बोले प्रभु ये क्या कर रहे हो, बोले ये क्या कर रहे हो, जो कुछ दिया नहीं उसको तो आपने बोले फलते फलते रहो, और जिसने दिया जिसका एक ही आश्रय एक कुटिया और एक गैया, आप अगर उसमें आग जल जाए और ये मर जाए, प्रभु जी अब ये क्या किया है। जब उन्होंने बोले तब भगवान कृष्ण ने कहा देखो वो जो पैसा वाला व्यक्ति है ना, उतना पैसा में उसका अंदर में इतना अभिमान है, इतना अभिमान उसने, इसलिए बोले अतिथि देव भव, नियम है कोई अतिथि आता है कहते अगर तुम्हारे पास में कुछ है ही नहीं, कुछ भी तुम्हारे पास में नहीं है देने के लिए कुछ नहीं, लेकिन एक गिलास पानी तो दे सकते हो, अगर एक गिलास पानी नहीं दे सकते हो, भगवान ने मीठा बोली दी है ना, मीठा बोली के लिए तो कोई पैसा नहीं लगता है ना, तो मीठी बोली तो बोल सकते हो। लेकिन उसने देखा कैसे हमको गाली गलौज किया, इतना पैसा में इतने अभिमान, और ज्यादा जब पैसा होगा ना ज्यादा अभिमान आएगा तो अभिमानम सुरापानम। इसलिए श्री माँ कुंती कहती है बोले प्रभु चार ही तरह के व्यक्ति तेरे भक्ति नहीं करेंगे, बोले कौन है, बोले उसको जिसको बहुत ज्यादा पैसा हो बड़ा अभिमान, ये भागवत कथा बता शास्त्र कोई रोड पार्टी में जाएगा लेकिन कथा में नहीं आएगा, कई
पार्टी में शराब दुकान में बैठा रहेगा, हैं, हाँ नाइट क्लब में जाएगा, उल्टा पूरा गंदे रास्ता पर जाएगा, लेकिन भगवत कथा हरि कथा में नहीं आएगा वो व्यक्ति। कल जन्म जिसको उच्च घर में जन्म हो जाए उसके अंदर में भी अभिमान आता है, अरे हम इतने बड़े आदमी, जिसको पास में ज्यादा विद्या हो जाते हैं, अरे हमें PhD एमए किए, हमने इतने लिखे बड़े बुद्धि, अरे जिसका काम धाम नहीं हुए, हरे कृष्ण करते हैं। ऐश्वर्य ज्ञान जिसको अंदर में ज्यादा ज्ञान आ जाए, इसलिए जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री, श्री मतलब जिसकी चमड़ा थोड़ा सुंदर हो जाए, अरे हम ऐसे हीरोइन हम ऐसे हीरो है, हमें सब करने का जरूरत नहीं। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा देखो इतने पैसा में इतना अभिमान, ज्यादा होगा ज्यादा अभिमान सीधा नरक जाएगा। लेकिन ये माता जी भक्ति तो करती है लेकिन उसका एक सहारा है, सहारा है, लेकिन जब कुछ सहारा नहीं रहेगा ना, वो एकांत मन में मेरे सहारा लूंगी, मेरे चरण की सहारा लेगी तो सीधा में उसको अपना चरण में सम स्थान दे देंगे, मेरे पास में आ जाएगा, जन्म मृत्यु दुख कष्ट से चिरकाल के लिए उसको मुक्ति मिल जाएगी है। इसलिए यहाँ पर तो ज्ञान कर्माद्य अनावृतम कहते हैं, जो ज्ञान है ये भक्ति युक्त ज्ञान, जिस ज्ञान पुष्ट होने पर किसी अवस्था में भी वो प्रभु की भक्ति नहीं छोड़ेगा, भगवान की भजन कभी नहीं छोड़ेगा। कर्म यहाँ नहीं बताए, कर्म सब छोड़ दो, बोले नहीं अनावृतम, यहाँ पर जो कर्म है शरीर को मैं मेरा मान करके जो कर्म है, है? और वहां पर जो ज्ञान बताए ये जो भगवान का निराकार निर्विशेष है वो ज्योति स्वरूप मानते वो ज्ञान के लिए बताए, भक्ति ज्ञान के लिए मना नहीं किया। इसलिए ज्ञान कर्मादि अनावृतम, जैसे भक्त आप लोग भी घर से उठे सवेरे सवेरे नहाए, बोले क्यों नहाए, बोले शरीर पवित्र होगा तभी तो ठाकुर का सेवा पूजा करेंगे, फिर तिलक लगाए, घर को साफ किया, बोले क्यों, ठाकुर का तो घर है ना, भगवान की मंदिर है, अपने कपड़े पहने के भी कर्म है, बोले क्यों, बोले अच्छे कपड़े पहनेंगे तब तो ठाकुर को अच्छे तरह सेवा करेंगे, रसोई बनाए, बोले क्यों, ठाकुर को भोग लगेगा ना, ठाकुर जी भूखे बैठे, ठाकुर जी को कुछ खिलाना है, इसलिए पैसा कमाते हैं भक्त, बोले क्यों, और बगैर पैसे से ठाकुर का सेवा कैसे होगा। इसलिए भक्त जो करता है, इसलिए प्रभुपाद कहते हैं साधारण एक कर्मी का एक्टिविटीज क्रिया और भक्तों का जो क्रिया दोनों देखने में तो बराबर लगता है, ये भी भक्त भी दिन भर परिश्रम करते हैं, साधारण लोग भी परिश्रम करते हैं, लेकिन फल क्या है, बोले एक सीधा नरक और एक सीधा गोलोक वृंदावन, एक सीधा नरक जाएगा एक सीधा गोलोक वृंदावन जाएगा, क्यों, भक्त जो कुछ करता है। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं यज्ञार्थात कर्मन अन्यत्र लोक एवं कर्म बंधनम, हे अर्जुन मेरे को छोड़ करके इस शरीर में मैं मेरा बुद्धि करके जो कर्म करता है केवल जन्म जन्मांतर में ये संसार का चक्कर में वो भटकता रहता है, वो भटकता रहता है, लेकिन हे अर्जुन मत निमित्तम अगर मेरे को उद्देश्य करके जो कर्म करते हैं मुक्त संग समाचारित, वो सीधा उनको मुक्त संग समाचार, सीधा उनको भगवत भक्ति सीता गोलोक वृंदावन प्राप्त करेगा। इसलिए यहाँ पर कर्म को छोड़ने के लिए नहीं बताया, कर्म को जोड़ने के लिए बताया, ये सारी चीज भगवान को साथ में जोड़ दो। इसलिए ज्ञान कर्मा अनावृतम अनुकूल्य न कृष्णानुशीलनम भक्ति रुतमा, बोले उत्तमा भक्ति क्या है, बोले उत्तम भक्ति उसको कहते हैं अनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम, मतलब जो काम करने से गुरु जी वैष्णव ठाकुर जी प्रसन्न होंगे वो काम को हम अपना जीवन में करेंगे, जो काम से ठाकुर खुश नहीं गुरु जी खुश नहीं वैष्णव खुश नहीं वो काम को हम नहीं करेंगे, हैं, भगवान की रुचमाना प्रवृत्ति जो काम करने से ठाकुर खुश होते वही काम ही करना हमें। अब बोलोगे फिर यहाँ पर एक प्रश्न करते हैं, बोले भैया कृष्ण जी समय है उसमें एक बताया अव्याप्ति और एक अतिव्याप्ति, यहाँ पर एक दोष बताया अव्याप्ति और अतिव्याप्ति, इसका समझ लो, कहते अव्याप्ति अतिव्याप्ति मतलब क्या है, हैं, अव्याप्ति मतलब दिखता है ऊपर जैसे भक्ति नहीं लेकिन वो भक्ति, अतिव्याप्ति दिखता है भक्ति से ज्यादा लेकिन वो भक्ति नहीं। उदाहरण दिया कृष्ण जब चारण मुष्टि को साथ में मल्ल युद्ध कर रहे थे, जब युद्ध कर रहे थे बड़े प्रसन्न होकर के भाव में भाव छाती में छाती देकर के कृष्ण बड़े प्रसन्न होकर युद्ध कर रहे थे, युद्ध कर रहे थे, लेकिन युद्ध करते समय ऊपर से क्या दिखता है, कृष्ण बड़े सुंदर प्रसन्न खुश होकर के चारण मुष्टि के साथ मल्ल युद्ध कर रहे हैं,
लेकिन दिखता है कृष्ण खुश हो रहे, लेकिन ये भक्ति नहीं। बोले क्यों? बोले चारण मुष्टि को उसको आनंद दे रहे, लेकिन उनके अंदर की भावना क्या है? चारण मुष्टि मौका मिले ना, ऐसे पछाड़ दूं, दोनों को पीस डालो, दोनों का मार डाले। यद्य भी ऊपर से दिखता है कृष्ण प्रसन्न है, लेकिन वो प्रसन्न नहीं। इसको कहते हैं अति व्याप्ति। अति व्याप्ति मतलब भक्ति से ज्यादा दिख रहा है कृष्ण प्रसन्न है, लेकिन चारण मुष्टि का जो मन में भावना वो गंदी भावना। इनको दोनों को हम मार डाले, इनको खत्म कर डाले, इसलिए सती ये भक्ति नहीं। लेकिन अव्याप्ति, अव्याप्ति मतलब दिखता है भक्ति जैसे नहीं, लेकिन वो भक्ति बोले जैसे बोले जिस समय मैया यशोदा चूल्हे में दूध बैठा थी, कर्म कर रही थी, मैया इधर कृष्ण को दूध पान कर स्तन पान करा रही थी, और चूल्हे में दूध धीरे धीरे उफनते 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 वो आग में गिरने जा रही थी। मैया ने देखा अगर ये उफन करके आग में गिर गया ना, कहते बच्चों का अमंगल होता है, और दूसरा कारण है अगर ये उफन कर गिर जाएगा उससे ही मलाई बनेगा, अगर मलाई नहीं बनेगा तो मक्खन कहाँ से बनाऊंगी, मक्खन नहीं होगा तो लाला खाना कैसे खिलाऊंगा। इसलिए इधर कृष्णा बड़े खुश होकर स्तन पान कर रहे हैं, मैया बोली लाला थोड़ी सी गोद से उतर जा, तू उफन रहा है। कृष्ण बोले आधा पेट भी भरने, बोले गोद से उतर जा, मेरे को भर पेट पूरा खिला करके जा। मैया देखी इधर पुत्र भी उफन रहा है, उधर और दूध दूध भी उफन रहा है, दोनों ही उफन रहा है, अभी मेरे को क्या करनी चाहिए? बोले मेरे स्तन में जो दूध कृष्ण तो थोड़ी देर बाद में तो पी सकता है ना, क्योंकि मेरे पास में स्तन में दूध है, लेकिन वो अगर उफन कर गिर गया तो एक तो बच्चे का अमंगल होगा, फिर मलाई नहीं बनेगी, मलाई नहीं बनेगा तो मक्खन कहाँ से मिला खिला। इसलिए बोले पहले जरूरत है वो चीज़ को रखा करें, पहले उसको दूध को रखा करें। बोले लाला थोड़ा उतर जा। बोले नहीं, बोले उतरोगे नहीं कैसे, पकड़ कर जोर जबरदस्त बैठा बैठ गया, उतरेगा नहीं। और कृष्ण रो रहे हैं, हाँ, और मैया गई दूध उपरंत जो दूध को उन्हें पानी की छिटका मार गए, फिर उसको शांत की। लेकिन यहाँ पर क्या दिखता है, कृष्ण रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, तो भक्ति इसको नहीं बोलेंगे। बोले यही भक्ति है। बोले क्यों? बोले माँ के हृदय में भावना को देखो, माँ के हृदय की भावना को, उसको भावना क्या है, मेरे लाला के लिए ये दूध रखा कर रही हूँ, थोड़ी देर बाद में ये मलाई बनेगी, लाला खाएगी, हैं, इसलिए इसको भक्ति कहेंगे। लेकिन उधर क्या दिखता है, उधर भक्त उधर क्या दिखता है, ये भक्ति जैसे दिखती नहीं, लेकिन ये भक्ति, लेकिन वो दिखता है भक्ति कृष्णा खुश हो रहे, वो भक्ति नहीं। इसलिए बोले अनुकुले न कृष्णानुसीलनम है, इसलिए भक्ति उत्तमा कहते, इसको भक्ति उत्तमा भक्ति, इसको श्रेष्ठ भक्ति बताए। लेकिन भक्ति किसको प्रति करनी चाहिए? बोले कृष्णानुसीलनम, यहाँ पर डायरेक्ट कृष्ण का नाम दिया है। वो भक्ति अगर कृष्ण राम में भक्ति भक्ति है, नरसिंह देव में भक्ति है, वामन देव में भक्ति भक्ति है, लेकिन होने पर भी वो उत्तमा भक्ति नहीं, वो सर्वश्रेष्ठ भक्ति नहीं। सर्वश्रेष्ठ भक्ति किसके प्रति? जब ये कृष्ण को प्रति भक्ति होगी। फिर यहाँ पर और एक बात बताए, कल कृष्ण ने बोले कृष्णानुशीलनम, किसकी अनुशीलन करनी चाहिए? बोले कृष्णा की। कृष्ण तो कौन? कृष्ण, लेकिन कृष्णा कौन हो गई? राधा रानी। राधा रानी कहती है तभी ये उत्तम भक्ति होगी, जब तुम्हारी भक्ति राधा जी की प्रति, केवल कृष्ण के प्रति नहीं, जब ये भक्ति तुम्हारी श्री राधा रानी के प्रति भक्ति होगी, तभी ये भक्ति पूर्ण भक्ति होगी। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं अकेला माधव पूजय सो अज्ञानी, जो अकेले कृष्ण को पूजा करते वो अज्ञानी है। राधा अनादर करे अभिमानी, जो राधा रानी को अनादर करते हैं वो अभिमानी है, उनका भक्ति पूर्ण भक्ति नहीं। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं अनाराध्य राधा पदम भोज रेणु, अनाश्रितम वृंदावनम तद अटबिम असंभास तद भाव गंभीर चिता कुतः श्याम सिंदूर सस्याम गाओ। अगर कृष्ण रूपी रस समुद्र में गोता लगाना चाहते हो क्या करो, अनाराध्य राधा पदाम भोज रेणु, जब तक श्री राधा रानी की चरण की धूलि को आश्रय नहीं करोगे, दूसरी है राधा रानी के चरण द्वारा अंकित वृंदावन धाम का आश्रय नहीं करोगे, और सर्वश्रेष्ठ रूप में कहते राधा रानी की भक्ति में जो सराबर आश्रय नहीं करोगे, भैया कहा कृष्ण रस समुद्र में
कहाँ गोता तुम लगा सकते हो? अगर कृष्ण भक्ति पाना चाहते तो पहले श्री राधा रानी की चरण के आश्रय करो। इसलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे श्री हरि नाम संकीर्तन की जय। नंदन श्री गुरुपाद की जय। प्रभुपाद की जय। गीताई गौर प्रेमान हरे हरि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।